सिलेक्शन का मेजरमेंट गलत है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति पहलवान है और वो ये दावा करे कि मैंने चीफ जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का, बना दोगे? अगर कोई व्यक्ति अपाहिज है, वो चाहे कि मैंने सेना में भर्ती होकर दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं, भर्ती कर लोगे? 56 इंची सीना, ये कोई ब्रिगेडियर की भर्ती हो रही है क्या? देखिए, चुनने वाले भी ऐसे और उम्मीदवार भी ऐसे, कैंडिडेट भी ऐसे, बड़े मजे से प्रचार कर रहे हैं कि मुझे बना दो, मेरी छाती 56 हद होगी। भला इस देश से बुद्धि विदा ले गई है क्या? मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। कहाँ कहे कुआ कहे कि मेरा सुरीला संगीत कोयल के आगे बहुत, मैं ललकारता हूं कोयल को, तो कोयल की शीतल वाणी कंठ को चुनोगे या कोए को चुनोगे? यहां तो उलट हिसाब है। अशिक्षित एजुकेशन मिनिस्टर जो खुद की क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री भी नहीं है और आपसे ज्यादा समझदार लोग बैठे हैं। सही मेजरमेंट होना चाहिए प्रतिभा, हर चीज की प्रतिभा, और प्रतिभा बनानी बहुत मुश्किल है। जब कोई चीज प्रतिभा की बजाय सिफारिशों पर शुरू हो जाती है तो वो अंततः देश बर्बाद हो जाता है। क्षमा वीरस्य भूषणम्, वीरों का भूषण क्षमा होता है। और अगर मार काट में प्रवीण व्यक्ति को वीर समझ लिया जाए तो फिर परिभाषा बदल गई ना। शिक्षा मंत्री अनपढ़, रेल मंत्री जो जहाज से चलता है, रक्षा मंत्री जिसको चलने में लठिया का सहारा लेना पड़ता है, खुद का शरीर नहीं संभलता, देश को क्या संभालेगा? देखिए जरा, प्रतिभा का काम प्रतिभा को सौंपा जाना चाहिए, शारीरिक वीरता का दायित्व तो शारीरिक काम करने वाले को होना चाहिए। हम कभी क्रेन से कंप्यूटर का काम लेते हैं, आपके तो ऐसे ही चल रहे हैं। हम कभी पल्लेदार से, जो पल्लेदार होता है भार उठाने वाला, उसको बैंक मैनेजर बनाते हैं? यहां तो ऐसा ही हो रहा है। यहां पल्लेदार का भार उठाने के योग्य व्यक्ति, क्योंकि शारीरिक क्षमता जितनी होगी उतना ही तो भार उठा पाएगा, और आप उसको परम बुद्धिमत्ता का काम सौंप रहे हो, उसको देश सौंप रहे हो कि लो जो चाहे कर दो। बच्चे के हाथ में अगर आप कितना भी बहुमूल्य शास्त्र दे दोगे तो उसको पढ़ देगा,
खेलेगा उसके साथ। बहुत मुश्किल से तैयार की हुई आप नोट्स तैयार करते हैं और बच्चे को पकड़ा दो, उस नोट्स के बलबूते पे कोई प्रतिभा को ईजाद किया जा सकता था, लेकिन बच्चे को दे दोगे या किसी अनपढ़ को दे दोगे, वो उसमें या तो कोई वस्तु पाके चाट पकौड़ा डाल के आपको दे देगा, या उसको पढ़ देगा, या उसकी गेंद बना के आपके ऊपर फेंकेगा। हम ऐसा करते रहे हैं बचपन में, टीचर तो आते नहीं थे, तो हम कापियों के पन्ने पाड़ पाड़ के उसकी गेंदें बना के एक दूसरे के ऊपर फेंका करते थे, जहाज बनाया करते, जहाज उड़ाया करते थे। बारिश के पानी में सारी सड़कें भर जाती थी, पर हम उसमें किश्तियाँ तैराया करते थे। बच्चों का काम क्या होता है? खेलना। हमने गलत प्रतिभाओं को गलत जगह पर यूज किया है। 56 इंच छाती से बाहर उठाने का काम लीजिए, देखिए क्रेन जहां जरूरत है वहां उसका इस्तेमाल कीजिए, बड़ी शुभ रहेगी। सही पॉलिसी भी यही है। अनपढ़ व्यक्ति IAS को निर्देश दे रहा है कि ऐसा करो। गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति, क्या आप जानते हैं कि आप में जितनी प्रतिभा है गुस्से के वक्त उसका 10% रह जाती है, 90% उड़ जाती है क्रोध के वेग में, शीतलता के वेग में जो अमृत उतरा करता है उससे तो आप कातिल को भी माफ कर दोगे। क्रोध के वेग में आप बुद्ध को भी मार दोगे। यही हुआ, क्रोध के वेग में प्रेम का भगवान ईसा को सलीब दे दी जाती है। मंसूर जैसा जोश से भरा, शक्ति का तूफान है लबालब भरा हुआ, उसके हाथ पांव काट देते हो और वो हंसता है। क्रोधी व्यक्ति को, बदला लेने वाले व्यक्ति को हम देश सौंप देते हैं, ये बदला ही तो है। देखो, अगर आप मेरे से कोई जायज सवाल पूछो, मैंने आपको चुना ही इसलिए है कि आप समस्याओं का समाधान करें। प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? प्रतिभा का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब क्या होता है? कि जहाँ आपकी समझ में किसी समस्या का हल ना आए, वो किसी भी तरह की समस्या हो, गणित की हो, भूगोल की हो, साइंस की हो, या समाज की हो, देश की हो, विदेश की हो, वो समस्या समझना है तो आप एक्सपर्ट से पूछ लेते हो। गुरु का मतलब एक्सपर्ट। लेकिन यहाँ छठी का सहारा लेके चलने वाले लोग देश के रक्षा मंत्री बना दिए जाते हैं, जिन्होंने कभी धरती के अंदर अपने हाथों से हल नहीं जोता, बैलों के साथ उसने जिसने शरीर की घिसाई नहीं की, शरीर श्रम नहीं किया, बैलों की तरह, कहते हैं क्या, बल्दों की तरह सारे दिन लगा रहता है काम पे,
उसको हम बना देते हैं कृषि मंत्र। कैसे कर पाएगा? रोगी का इलाज डॉक्टर करेगा या टीचर? पायलट की जगह, जहाज के पायलट की जगह अगर आप पहलवान को बैठा दोगे, जूडो कराटे के पहलवान को बैठा दोगे, जहाज उड़ा पाएगा कि समुद्र में डुबो देगा? जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। मत करो ये काम, विनाश की कगार पे तुम पहुंच गए हो। अब कुछ बचा नहीं है वैसे बचाने को, कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जिस देश की नैतिकता खो जाए तो आत्मा तो गई। शरीर का खोखा पिंजड़ा पड़ा है, इसे देख लो आप क्या काम ले सकते हो। आप व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर किसी के पास बैंक में पैसा पड़ा है वो दंडित होना चाहिए। जिस देश में भूख के कारण बच्चे मरे, जिस देश में दवा के बिना मरीज मर रहा है, उसने भी तुम्हारी ही तरह जन्म लिया था, उसकी माता ने भी प्रसव पीड़ा सहित, उसकी माता ने भी उसको जन्म देते वक्त अपना हुस्न गवाया था। जननी जने सो भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। जननी जने दोहा है, उस बेचारे को क्या पता है। जननी को खुद ही पता नहीं होता कि मैं कंस को जन्म दे रही हूं या मैं हरिश्चंद्र को जन्म दे रही हूं, उस बेचारे को क्या पता। वो तो जैसी प्रकृति कर रही है वैसा प्रसव पीड़ा सह रही है। पीड़ा तो हरिश्चंद्र और हिटलर दोनों की राशियां एक, दोनों की माताओं ने प्रसव पीड़ा उतने ही से, क्या पता होता है कि हरिश्चंद्र होगा या हिटलर होगा। विकृति वाले काम मत करो, यही अंधभक्ति है। एक पीएचडी किए हुए व्यक्ति, आज से बहुत वर्ष पहले की बात है, ये बेरोजगारी आज की क्रिएशन नहीं है, बेरोजगारी सदा से है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जाती है, रोजगार तो पैदा होता है लेकिन जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि बेरोजगार बचे ही रह जाते हैं। अगर जनसंख्या कम हो जाए और रोजगार तो मिलता ही है, काम तो आदमी का है ही इस धरती पे, रोजगार पैदा होता रहे, जनसंख्या कम मात्रा में बढ़े, बिल्कुल भी जो है बढ़ने से रोकेंगे तो हमारा मुल्क वृद्धों का देश बन जाएगा, यहाँ सभी लाठियां उठाए फिरेंगे, फिर देश की रक्षा कौन करेगा। वैसे ये एक महत्वपूर्ण सवाल है राजनीति के विषय में, विस्तार से तो चर्चा न कर पाऊंगा,
लेकिन प्रतिभा के बलबूते पे एक चपरासी तक का चुनाव तुम करते हो, स्वीपर का चुनाव, साफ सफाई कर्मचारी का चुनाव जिसने गटर में ही उतरना होता है। देखिए, गटर में उतरने वाले का चुनाव तुम्हारी इच्छा से होता है, तुम उसमें भी उसकी प्रतिभा देखते हो, नौकर रखते हो और उसमें नौकर के गुण देखते हो है या नहीं। ये आगे तो नहीं बोलेगा, मेरे हुक्म की अवहेलना तो नहीं करेगा, सभी संभावनाएं देख के उसको हम नौकर की नौकरी देते हैं, प्लेटें साफ करने की, साफ सफाई करने की, लेकिन हम सारे मुल्क की संपदा 56 इंची छाती, ये जो गणेश जी की तस्वीर बनाई थी, इसका कारण ये नहीं था कि गणेश जी हैं, इसका कारण कुछ और था। इसका कारण था कि ऐसे मूर्खता भरे काम मत करना, लेकिन हम इन तस्वीरों की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती हम उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। इसका अर्थ ये था कि ऐसे मूर्खतापूर्ण काम मत करना जैसे गणेश जी ने किए। अब आप सुन के चकित होगे कि भारी भरकम शरीर वाला वक्रतुंडे महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा उठा नहीं जाता, उसे तोंद बड़ी हुई है, इतना भार और सवारी आपने दे दी चूहे के। और फिर आदमी है समझ उसमें लगा दी हाथी के, अब ये क्या खाक काम करेगा। और फिर पंडित जी महाराज ने आगे से बोल दिया, वक्रतुंडे महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणेश जी महाराज, मेरे सभी कामों को निर्विघ्न रूप से समाप्त करना, फिर भी विघ्न डल जाया करते हैं। तो फिर हम कहते हैं गणेश जी कुपित हो गए। अरे भाई, कोई गणेश जी नहीं कुपित हुए, तुम ही तुम्हारे पे कुपित हो। अगर 56 इंच की छाती देखकर प्राइम मिनिस्टर सुनने लगे तो इस देश की यही गति होने वाली है। जज के लिए कंपटीशन, हार्ड कंपटीशन, प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई कंपटीशन? प्राइम मिनिस्टर के लिए मूर्खतापूर्ण नारे, ये जो लोग कहते हैं कि जुमला होता है चुनावी, ये तो मान्यता दे दी तुमने झूठ को, ये तो झूठ को तुमने मान्यता दे दी, सच्चाई का लबादा हो हार के, ये क्या बात हुई? देश को लूटने के लिए जुमले होते हैं, इनको सजा होनी चाहिए। शांतिपूर्ण बुद्धि के लोग जो थोड़ा भी सोचते हैं उनको इतना तो पता ही है कि देश को जुमलों से चलाने वाला पुरस्कृत होना चाहिए या दंडित होना चाहिए। जनता के साथ सत्ता करने के लालच का शौक पूरा करना, जनता की जिंदगियों से खिलवाड़ करके जुमले दिखा के अपराध है, या के पुरस्कार प्राप्त करने के लिए योग्यता? मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने पहली बार ये सुना, हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि ये तो चुनावी जुमले होते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात
साफ साफ समझा दूं, राजनीति करने वाले राजनीति करने का सिद्धांत बनाने वाले व्यक्ति खुद राज नहीं किया करते हैं। ये एक फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ जो ईमानदार लोगों का बनाया हुआ था। खैर, राजनीति में ईमानदारी नाम की तो कोई चीज़ नहीं बचती। अगर 0.00001 लगाएंगे तो शायद कह सकते हैं हम कोई एक शास्त्री जो फटी धोती पहन के रेल मंत्रालय की शपथ उठा लिया करते हैं, निश्चित ही पूजनीय व्यक्ति हैं ये। और रेल मंत्रालय इनके कॉलर में हाथ डाल के गद्दी से नहीं उतारा जा, खुद ही लिख देते हैं कभी मेरे राज्य में ये एक्सीडेंट हो गया है, इसके लिए मैं जिम्मेदार, नैतिक जिम्मेदार है, वो त्याग पत्र दे देते। शूद्र जाति पे सेवा का जिम्मा था, ये चुनने की व्यवस्था थी प्राचीन, आज नहीं रहनी चाहिए, पुरानी थी आज नहीं रहना चाहिए। जो विद्वान व्यक्ति थे उनको पढ़ाने का काम, रक्षा कर सकते थे, देश की सीमाओं को संभालने का काम, व्यापार कर सकते थे उनको व्यापार का काम, एक तकनीक बांटता, ज्ञान बांटता, जो ज्ञान ले सकता है ज्ञान बांट सकता है वो ब्राह्मण, नाम रखे गए थे आज बदनाम हो गए। जो सेवा कर सकता है, देश की रक्षा कर सकता है वो क्षत्रिय, देश की समाज की। जो व्यापार कर सकता है, तोल मोल भाव कर सकता है वो वणिक, और जो सेवा कर सकता है, जैसे मैंने कहा कि हम अभी नौकर रखते हैं, पीएन रखते हैं, तो उसकी सब संभावनाओं को देखकर कि जिसमें दिमाग आज्ञाकारी हो, जिसको हम कह दें कि सूरज पीला होता है तो वो कहते ठीक पीला होता है, सूरज की रोशनी लाल होती है तो हम कहते हैं हाँ ठीक है लाल होती, ऐसा भक्त आदमी जिसे हम अंधभक्त भी कह देते हैं, ऐसे होते हैं अंधभक्त। उनसे कह दो कि खून का रंग नीला होता है तो वो कहते हैं बिल्कुल नीला होता है। वैसे अगर देखा जाए तो खून के रंग के हिसाब से देखा जाए तो आपको शायद ना पता हो कि एक्सेप्शनल केसेस में खून का रंग लाल ही नहीं होता, हरा भी होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये एक नियम नहीं है। मंत्री बनाने के लिए ऐसे व्यक्ति कभी कभार भूल चूक से राजनीति में आ जाते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने के लिए सारी व्यवस्था गढ़ी, लेकिन खुद राज नहीं किया। विदेशी पर्यटक बाहर से आए थे और वो गए चाणक्य से मिलने, उसके पास दो दिए थे। जब वो मिलने गए तो उन्होंने एक दिया बुझा दिया और दूसरा दिया जला दिया। वो बड़ा हैरान हुआ बाहर से आए व्यक्ति, उसने कहा पहले तो जो मैं पूछने आया हूँ वो तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले इस बात का जवाब दो कि आपने ये दिया जग रहा था ये क्यों बजा दिया और दूसरे वाला क्यों जगा दिया। वो कहता है चाणक्य के भैया, जिस दीपक की रोशनी में तब बिजली तो होती नहीं थी मैं काम कर रहा था, वो सरकारी तेल था उसमें और मैं सरकार के संबंध में काम कर रहा था, अब मैं आपकी पर्सनल वार्तालाप करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने खुद की कमाई से
जो दीपक और तेल खरीदा है मैंने वो जगा लिया। ऐसे मंत्री हुआ करते थे, आपके खून पसीने से अदा किया गया कर धरती का भ्रमण, देशों का भ्रमण, वहाँ की सभ्यताओं और अपनी प्रशंसा के लिए। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी ही तस्वीर से प्रेम करते हैं, दूसरा उन्हें अच्छा नहीं लगता, न घर वाले अच्छे लगते हैं, न भाई भतीजे अच्छे लगते हैं, कोई अच्छा नहीं लगता, छोड़ते हैं घर, न बच्चे पैदा करते हैं, तो अच्छा ही नहीं लगता उन्हें कुछ अपने सिवा। जहाँ हो तस्वीर उनकी होनी चाहिए बस। तो अब देखिए वृत्ति कैसी इनके, जो खुद से ही प्रेम करते हैं वो चाहेंगे कि धरती पे कोई और भी जिंदा रहे जो खुद से प्रेम करते हैं, खुद का प्रचार करते हैं। क्या वो चाहेंगे उनकी मनोदशा कि दूसरा व्यक्ति भी इस धरती पे जिंदा रहे, क्यों ना मैं ही सब आनंद मानूं, या मेरे साथ के सहबुद्धि या मेरे भक्त बस वो ही जिंदा रहे, दूसरे जिंदा ही ना रहे। ये एक मनोवृत्ति है जो कि विकृति है, वृत्ति नहीं है, विकृति है। भारत देश अनेकता में एकता, और वो ही सुंदर रहता है। देखिए अगर मोर कितना ही सुंदर है, अगर धरती पे मोर ही मोर रहे, कोई बाज ना हो, कोई तोता ना हो, कोई चिड़िया, कोयल, कौवा, चील, लाखों हजारों प्रकार के जंतु बनाए हैं, अगर वो ना हो तो दुनिया सुंदर लगेगी? नहीं, दुनिया सुंदर तभी लगती है, और ईश्वर बनाने वाला कोई पागल थोड़ा है जो उसने भांति भांति के पंछी, पशु, वातावरण, ऋतुएं बनाती। वो तुमसे ज़्यादा सियाना ही होगा ना, क्रिएटर आपसे ज़्यादा समझदार ही होगा ना, वो ऐसा थोड़ी है कि बस आप समझदार हो। क्रिएटर तो मूर्ख है, और उसकी क्रिएशन को लूट लो और उसका लुत्फ उठा लो, याद रखो तुम लुत्फ तुम जो हो, व्यक्ति जो है। मेरे इन शब्दों को अच्छी तरह समझना, ये अब मैं आध्यात्मिक सत्य बोल रहा हूँ, अंत में छलावा ही हाथ लगता है। जिस वक्त आप पहुँचते हो अपने स्वयं के अंदर, उस वक्त आप खुद पर शर्मिंदा हो जाते हो, हंसते हो खुद की बेवकूफियों में, कह अरे मैंने तो ठगी, चोरी, बेईमानी जुमले अपने आनंद के लिए किए थे, ये आनंद मुझे तो आया ही नहीं, ये आनंद मुझे तो आया ही नहीं, ये सिर्फ मेरा भ्रम था कि जिसे आनंद आया वो मैं हूँ, ये तो कोई और ही ले गया, मैं तो ये है ही नहीं। जब आपको ये सत्य उजागर होता है तब आपको शर्म भी आती है, लज्जा अपने ऊपर कि मैं बपुरा या मूर्ख कह लो, मैं बपुरा बूढ़न डरा गया किनारे बैठ, मैं बेचारा बूढ़ा किनारे पर बैठ गया, असलियत को जान ही नहीं सका। तुम असलियत से कभी परिचित नहीं होते, तुम जिसे खुशी वो तुम्हें कभी लिया ही नहीं, कोई दूसरा ही ले जाता है, जो रस ले जाता है वो तुम नहीं, यही तुम्हारी बड़ी से बड़ी मूर्खता है। सवाल पूछा यक्ष ने धर्मराज से कि सबसे अजूबा कौन सा धरती पे, उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि मैंने मरना है, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं कि मैंने मरना है। नहीं, ये नहीं अजूबा, अजूबा ये है सबसे बड़ा कि आदमी समझता है कि मैं आनंद लेता हूँ, मैं मौज लेता हूँ, मैं आराम में हूँ, सबसे बड़ा भ्रम यही है, सबसे बड़ा अजूबा यही है। इंद्रियां सुख लेती हैं, इंद्रियां स्वाद लेती हैं,
इंद्रियां रस को मानती हैं और तुम इंद्रिय हो नहीं। दर्शक कैसे फिल्म का आनंद ले लेगा चलती का बस? तुम इंद्रियों को स्वाद लेते हुए देखने वाले साक्षी हो। इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा बुद्धि मन इंद्रियां ये तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं रोबोट की तरह, और तुम इनको गलती से, ये कोई पाप नहीं है, ये गलती है, गलत फहमी के कारण तुम इनको अपना होना समझ लिए हो। बस यहीं से गलती शुरू हो जाती है, यहीं से आप गलत रास्ता पकड़ लेते हो। वो गलत रास्ता पकड़ते 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 अंत कहाँ होता है? अंत होता है कोई बोलेगा जय श्री राम, कोई बोलेगा जय काली, कोई कहेगा जय पीली, कोई कहेगा जय हरी। बोलते नहीं आप? मैंने शुरू शुरू में देखा ये काली पीली हरी हरी क्या हो रहा है? कोई हरी हरी किए जा रहा है, कोई काली काली किए जा रहा है, कोई पीली पीली, कोई गोरी गोरी। हम जगाते हैं जय अंबे गोरी। अरे भाई ये रंगों की प्रशंसा हो रही है या देवियों देवताओं की प्रशंसा हो रही है? मैं खुद ही चक्कर में पड़ जाता हूँ। जय अंबे गोरी, जय माता काली। अरे भाई ये क्या काली, ये तो रंग है। हरी हरी, रंगों के ऊपर भगवान के नाम हुआ करते हैं। वो काला एक बांसुरी वाला, मूर्खता की हद कहीं तो रुकनी चाहिए। आपकी प्रज्ञा, आपकी कैपेबिलिटी, आपके भीतर की प्रतिभा, उससे तय होना चाहिए। ये चुनाव वुनाव नहीं होने चाहिए, ये मूर्खता है। मैं चुनाव के हक में है, चुनाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव में तो आप देखते हो 100 प्रकार की झंझटबाजियां, 100 प्रकार की बेईमानियां चलती हैं। इसलिए तो हमारा देश बेईमान होकर रह गया। अगर आप सही, जिसे आप लोकतंत्र कहते हो, वो लोकतंत्र नहीं है। कैसे? 100 व्यक्ति वोट डालता है, 51 वाला जीत जाता है, 49 वाला हार जाता है। इसका मतलब 51 लोगों के लिए लोकतंत्र है, 49 लोगों के लिए डिक्टेटरशिप है। तो बताओ लोकतंत्र शुद्ध कैसे हो गया? 49 लोगों की बात नहीं मानी गई, 51 लोगों की बात मानी गई। लोकतंत्र कैसे हुआ? 49 लोगों के लिए लोकतंत्र कैसे हुआ? 51 लोगों के लिए लोकतंत्र हो गया। और फिर जो तुमने चुना 51 लोगों ने, वो आगे 56 इंची ना निकलेगा, कौन कह सकता है? उसका दिमाग राजनीति करना जानता है या सेवा करना जानता है? अब लिखा तो होता है राज नहीं सेवा। अरे भाई सेवा, जिसके मन में सेवा का भाव आ गया, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा बनके भी सेवा कर सकता है। सेवा करने के लिए गद्दियां आवश्यक नहीं होती। ये तो नारे हैं, वाकई ही जुमले हैं। ठीक कहा अमित शाह ने कि ये जुमले होते हैं, चुनावी जुमले होते हैं, लेकिन ये धोखा है। जनता के साथ विश्वासघात है। जनता ने तुम्हारे पे विश्वास कर दिया कि ठीक है ये ऐसा करेंगे, और तुमने विश्वासघात कर दिया ना, फिर आपके ऊपर धारा लगनी चाहिए विश्वासघात के, क्योंकि तुमने पूरा तो किया नहीं, बल्कि जो कहा था उससे बिल्कुल उलट किया, तो आपको दंड मिलना चाहिए। लेकिन कौन दंड देगा? दंड देने वाले आपने खरीद लिए, वो तो आपने खरीद लिए, चुनाव करने वाले आपने खरीद लिए, तो जनता थोड़ी चुनाव करती है। आप भ्रम में हो, जनता चुनाव नहीं करती, चुनाव आयुक्त चुनाव करता है, चुनने वाला व्यक्ति चुनाव करता है, जिसे चाहे चुन ले। हमने देखा है
लड़ाई झगड़े होते हैं, गलत वोटिंग होती है, हर प्रक्रिया में कोई ना कोई खामी होती है। इसीलिए जो हमारे पुरातन ऋषि थे उन्होंने बड़ी समझ से हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप शुरू की। डिक्टेटर का नाम बदनाम कर लिया कुछ लोगों ने, हिटलर जैसे लोगों ने, लेकिन राम जैसा डिक्टेटर भी तो हो सकता है, दशरथ जैसा डिक्टेटर भी तो हो सकता है। ये सारा रघुकुल डिक्टेटर ही तो था। महाराज दलीप आज क्या थे? एक आदमी अगर गलत हो गया उसके नाम पर किसी शाही को गलत मत करो कि तानाशाही गलत है। नहीं, मैं समझता हूँ तानाशाही ज्यादा बढ़िया होती है अगर राम जैसा तानाशाह हो। छोड़ के चला गया पत्नी भार्या समेत, भाई समेत अयोध्या का राज में जरा भी पछतावा नहीं हुआ। जैसा महल था वैसा ही जंगल, मौज बन गई, ऋषियों के दर्शन करेंगे, तप करेंगे, दुष्टों का वध करेंगे, अपनी शक्ति का 56 इंच छाती का कहाँ इस्तेमाल होता है? दुष्ट वध के लिए। और यहां यहां तो विरुद्ध बोलने वाले के लिए 56 का इस्तेमाल होता है, 56। राम जैसी डिक्टेटरशिप हो, और लोकतंत्र है भी कहाँ? मैंने पहले ही कहा था कि 49 व्यक्ति के लिए तो लोकतंत्र पहले से ही खत्म हो गया। एक क्या मतलब लोगों के लिए लोकतंत्र है और वो भी पता नहीं है कि नहीं? 49 व्यक्तियों की इच्छाओं पे आपने पहले ही कुठाराघात कर दिया। ये 49 व्यक्तियों की इच्छाओं का हत्यारा अच्छा कहते हुआ। फिर एक व्यक्ति होता था उसके ऊपर जिम्मेदारी होती थी। यहाँ आपने 500-600 आदमी चुन लिया है, वो कहता है उसकी जिम्मेदारी है, वो कहता है उसकी जिम्मेदारी। जब चाहे विभाग बदल देते हैं, राजा का कोई विभाग नहीं बदलता था, सारा जिम्मा राजा का होता था। हम अब किससे कहें? कृषि मंत्री के पास जाते हैं वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर का काम है, प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं ये तो कृषि मंत्री का काम। जो कानून स्टेट बना सकती है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बना देती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना देती है उसे लोग नहीं मानते। क्यों? क्योंकि लोग विरोधी होते हैं। ये सभी कालिदास हैं। जनता जो गलत आदमी के हाथ में पावर देती है वो कालिदास है। जिस टहने पे बैठे हैं उसे ही काट रहे हैं। भला देखो, अगर किसान ने बीजना छोड़ दिया, तुम्हें खेती करनी आती है नहीं, और तुम्हें अपनी खेती के भीतर वो झांकने भी नहीं देंगे, तो क्या करोगे आप? अपने योग्य वो बीज लेंगे, तुम कहाँ से लेके आओगे बताओ? तुम अपने काम धाम छोड़ने पड़ेंगे तुम्हें, ये बैंक की मैनेजरशिप और मंत्रालय छोड़ने पड़ेंगे तुम्हें। तुम तो फिर उगाने के योग्य रह जाओगे सारा साल। कभी दूध पैदा करोगे, कभी गन्ना पैदा करोगे, कभी कुछ पैदा करोगे, कभी कुछ करोगे, कभी अनाज करोगे, तुम ऐसे योग्य रह जाओगे। प्रतिभा का इस्तेमाल सही जगह पे करो। जिस चीज़ की प्रतिभा है, शारीरिक क्षमता है, अच्छी बात है, कर दो भर्ती, सैनिक लगाओ सबसे पहले, देखो इसको क्वालिफिकेशन क्या है, सर्टिफिकेट देखो, उसी ढंग से इसको योग्यता के अनुसार। क्यों भाइयों, योग भाइयों बहनों, योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार पद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताओ मुझे? योग्यता के अनुसार पद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमें तो योग्यता के अनुसार भी पद नहीं मिलता, हमारे बच्चे तो तरसते हैं। तुम्हें योग्यता के आधार पे अगर जायज पद मिल जाए तो ये काफी नहीं है? हिंदुस्तान में इतना ही काफी है? तभी मैं कहा करता हूं कि राजनीति
राज हो तो भगवान राम जैसा या जनक जैसा। जनक ने राज किया, अकाल पड़ गया, खुद हाल चलाया। उसका अर्थ था कि जब कभी विपत्ति पड़ जाए तो राजा खुद, पहले राजा ही तो लड़ा करते थे। बताओ आज कल लड़ते हैं टैंकों से, तोपों से, जवान लड़ते हैं जो अच्छे हिस्ट पुष्ट सही मापदंड खड़े उतरते हैं। पहले तो राजा लड़ा करते थे। अकबर ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, महाराणा प्रताप ने कितनी, राजा ही लड़ते थे। आजकल राजा तो घर में बैठे रहते, राजाओं के जो बच्चे हैं वो लंदन पढ़ते हैं, अमेरिका पढ़ते हैं। राजा सर्जरी करा रहा होता है, दुश्मन आक्रमण करते तो संभाल लेगी फौज, उसने तो फिक्र ही नहीं करना होता, उसने क्रेडिट लेना होता है कि हमने घुस के मार दिया। ऐसी राजनीति मत करो, मानवता की समाप्ति का बीज मत बो, मानवता के सुख के प्रयत्न करो, हमारे ऋषियों की कामना को संपूर्ण करो कि हे ईश्वर सभी सुखी हों। छीनो मत, अगर आप किसी का छीनोगे या बैंकों में जोड़ोगे और कोई भूखे मर रहा है तो उसके पापी आप हो, दोषी आप हो। ये जो दान की परंपरा चलाई गई थी ये तुम्हारे लिए चलाई गई थी, सेठ लोगों के लिए, कि जो ठग्गी ठोरी से इकट्ठा किया है थोड़ा सा बांट भी दो। क्यों? क्यों जिनका छीना है वो बेचारे भूखे मर रहे, ताकतवर नहीं थे, उनसे छीन लिया लठ दिखा के, क्या करे गरीब आदमी, निर्बल क्या करे। चलो फिर अब तुमने पाप से इकट्ठा तो कर दिया, बांट दो। बाबा नानक ने इसलिए कहा था वंड शको, अरे रोटी तो तुम बांट के खा लो, बाकी बदल लेना, साढ़े दिन में 1000 बार बदल लेना। ये देह सुंदर काया बचने वाली नहीं है, ये माटी में मिलने वाली है, तुम खुश हो जाओ। कब्र में पड़ी मम्मी औरत ये कहती है, उसको कोई बता सकता है कि दिन में 100 साड़ियां बदलती थी, क्या मतलब है इन बातों का। बहुत मूर्ख लोग मुझे कह देते हैं कि अपने जीते जी तो आनंद मान गया। मैंने कहा वो कहाँ है आनंद, तो जो आनंद मान गया था कहाँ है, बचा तो ताबूत है। जो चीज खत्म हो गई उसका अस्तित्व अब भी नहीं है, तब भी नहीं था, तब भी तुम्हें भरम था, भरम टूट गया। मौत सब भरम तोड़ दिया करती है। कोई नहीं जानेगा कि ये फकीर था या ये राजा था, लाख कैप्सूल दबा दो पड़ेगा कौन, जो पड़ेगा वो भी गया, वो भी एक दिन मिट जाएगा। अगर तुम ऐसे व्यक्ति को पढ़ाओ जो कभी मरता ना हो, फिर तो है आपकी शाबाश। इसलिए संत उसको समझाते हैं जो कभी मरता नहीं, समझते बात। संत उसे समझाता है जो कभी विनाश नहीं होता, तुम उसे समझाते हो जो खुद ही विनाश होगा। कौन याद रखेगा तुम्हारी महानता को? सिकंदर महान हुआ, हुआ कौन था, उसकी शक्ल कैसी थी बताओ, और किसी को क्या मतलब। जो बिल्कुल बेकार लोग हैं, फालतू समय उनके पास, वो कहीं सिकंदर को याद कर लिया करते हैं और आज लाख बातें उनके बारे में चलती हैं। सिकंदर की मृत्यु का सही सही पता आज तक भी नहीं है, सिकंदर कहाँ दफन हुआ सही सही उसकी कब्र नहीं पता है। क्या करोगे आप? भ्रम मत फैलाओ, इस पृथ्वी ग्रह को भ्रम से मुक्त करो, भय से मुक्त करो, एक दूसरे को अपनी फालतू की पाड़ी दिखलाने की कोशिश मत करो। तुम कुछ नहीं हो, तुम बुलबुले हो, पानी कीड़ा बुलबुला,
तुम तोप, मेरे पास तोप है, मेरे पास राफेल है। अरे भाई राफेल ही है ना, तुम तो राफेल नहीं हो ना। राफेल घमंड करे अपने आप पे, तुम तुम्हारे होने पे घमंड क्यों करते हो? तुम तो रहोगे नहीं एक दिन। बहुत व्यक्ति मैंने देखे, वो कह देते हैं मेरी दोस्ती है फलां ऑफिसर के साथ, पीएम सीएम के साथ। अरे भी दोस्ती है तो बल उसमें है ना, तुम में तो नहीं है। कल को दोस्त दुश्मन हो जाए फिर पागलपन में जीते हैं हम सब। ये पागलपन छोड़ो, बताना है तो उसे बताओ जो कभी मरता नहीं, जो सबका क्रिएटर है वो याद रखेगा कि तुमने क्या किया। याद रखता भी है, तुम जैसा करते हो इसीलिए तुम्हें दंडित देता है। वो तुम्हारे कर्मों का फल याद रखता है, उसके पास सभी प्रकार के यंत्र हैं, उसको तुम धोखा ना दे पाओ। प्रीति जोड़ो किसके साथ? क्षण भंगुर के साथ नहीं, शाश्वत के साथ। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जूं तारा प्रभात। ऐसी तेरी औकात है, क्या तू सोच रहा है? कुछ उद्धार कर ले। तुम शांति से ना जीते हो ना शांति से मरते हो, यही तुम्हारा हश्र है। तुम जीते जी भी दुखी हो, मरते भी दुखी हो। इस धरती पे आए हो तो इस जीवन का आनंद मानो। धन्यवाद।